तो सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्टोरेज को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, वैक्सीन की प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली वालों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। लगभग 1.25 करोड़ डोज के स्टोरेज की तैयारी दिल्ली में हो चुकी है, ये जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद दी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर जो सबसे पहला चरण था इसके काम में, इसकी गति को आगे बढ़ाने में, तो वो है वैक्सीन का स्टोरेज, जिसकी तैयारी दिल्ली में पूरी हो चुकी है। अब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन जिन लोगों को जो कैटेगरी, जो प्रायोरिटी कैटेगरी है, तो जब वैक्सीन आएगी तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को SMS के जरिए या अन्य तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन यहां पे पहुंचना है अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको इसके बारे में सूचित करेगी। दिल्ली के अंदर वैक्सीन देने के लिए जितनी भी साइट्स की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो भी सारी तैयारी की जा रही है और सफिशिएंट लोकेशंस हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो स्टोरेज की पूरी व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आश्वासन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।